दोस्तों मिक्सर जार में लीकेज है या फिर नीचे का इसका बेस ख़राब हो गया है, ढीला हो गया है, तो इसको रिप्लेस कैसे करते हैं या इसको फिक्स कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का टेक्निकल सभाजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी ब्लेड को खोल करके बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद में फिर हम बेस को दिखाते हैं किस प्रकार से कैसे फिट करना है। देखिए दोस्तों इस वार्सल को भी निकाल लेना है जो स्टील का होता है। ये देखिए दोस्तों ये बेस बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो हमें इसे रिप्लेस करके यहाँ पर नया बेस लगाएंगे। इसके पहले हम देखिए ये जार लेते हैं, इसमें काफ़ी जंग लगा हुआ है, तो इसको हम सरफेस पेपर के माध्यम से साफ़ करेंगे। देखिए इस प्रकार से दोस्तों इसको आगे पीछे से दोनों तरफ से अच्छे से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद में फिर हम इसके बेस को आगे कसेंगे। देखिए दोस्तों अच्छे से ये अब साफ़ हो गया है। साफ़ करने के बाद में अब फिर हम बेस को लगाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पर जो आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे। देखिए बेस को लगाने के बाद में उसमें एक प्लास्टिक की रिंग होती है उसको लगा लेना है, फिर उसके बाद स्टील की रिंग होती है उसको लगा लेना है, फिर इसके बोल्ट को कसना है और इस बोल्ट को अच्छे से टाइट कस देना है जिससे कि लीकेज का कोई भी चांस ना रहे, कोई भी लीक ना हो। अब इसके बाद में फिर हम राड को इस बुश में लगा करके देखेंगे वो फिक्स सही आ रहा है या फिर टाइट है। अगर जो टाइट है तो उसे हम रीमर के माध्यम से रीमर लगा देंगे बुश में, जिससे कि शाफ्ट आसानी से चला जाएगा उसमें। ये देखिए दोस्तों बुश शाफ्ट नहीं जा रहा था तो हमने रीमर से इसको साफ़ कर देंगे एक बार अच्छे से। देखिए दोस्तों इस प्रकार से अच्छे से साफ़ कर लेना है, इसके बाद में हम शाफ्ट लगा करके चेक करेंगे। देखिए ये शाफ्ट बिल्कुल आसानी से अब लग गया है। और ये भी ध्यान देना है कि ये जो शाफ्ट लगा रहे हैं जो नीचे का व्हील है ये कहीं बेस में लग तो नहीं रहा है, अगर जो लग रहा है तो उसके लिए हम नीचे एक वार्सल लगा देंगे। देखिए बिल्कुल सही है। अब इस एक बार हम ऊपर से ब्लेड लगा करके चेक करेंगे, ब्लेड कहीं ज़्यादा ऊपर तो नहीं है। जार के नीचे जो नीचे का सिरा होता है उससे ब्लेड बहुत ऊपर है, तो हम नीचे के साइड में और भी वार्सल लगा देंगे जिससे कि ब्लेड जो है वो बिल्कुल नीचे तक पास तक पहुंच जाए। बस इतना ध्यान देना है कि वो नीचे का जो बेस है उसमें लगे नहीं। तो देखिए दोस्तों अब इसको लगाने के बाद में इसको फिर एक बार अच्छे से टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद हम इसको घुमा करके चेक करेंगे, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और रीमर लगाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा नहीं लगा देना है जिससे कि शाफ्ट बहुत ही ढीला हो जाए और फिर लीकेज ही करने लग जाए। तो बहुत हल्का सा लगाना है कि शाफ्ट आसानी से उसमें लग जाए। तो इस प्रकार जार कंप्लीट हो गया। थैंक यू दोस्तों।